अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, और दोस्तों आज हम दिन भर के अपडेट्स देखने वाले हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज दिन भर क्या हुआ। तो दोस्तों बस एक और दिन का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आज 31 जुलाई हो चुकी है और दोस्तों आप लोग की 2 तारीख को सुनवाई होने वाली, तो बस कल भर का और इंतजार दोस्तों, उसके बाद हमारी सुनवाई शुरू होगी 69,000 शिक्षक भर्ती में। और दोस्तों देखिए हमारे मुख्य बिंदु क्या होने वाले हैं, अगर पासिंग मार्क पर ही चर्चा होगी तो फैसला जल्द आने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, अगर बात सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क को लेकर हुई तो हमारा फैसला जल्द से जल्द आ सकता है, लेकिन दोस्तों अगर वहां पर बीएड को बाहर करो या भरा मामले पर तो आपका फैसला थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा देखिए क्यों होता है कि अगर जब हमारा कोई भी बात होता है, डिस्कशन होता है, अगर एक ही वे में होता है दोस्तों, तो बहुत ही जल्द उसको फैसला आता है। लेकिन दोस्तों वहां पर जब बात होती ना कि जब मामला किसी भी पक्ष की तरफ से कमजोर होता है, तो दोस्तों वो मामले को घुमाने के लिए बीएड या भराग मुद्दे को हथियार बनाते हैं दोस्तों, जिससे कि मामला कमजोर हो जाता है और हमें एक और नई डेट मिल जाती है। तो दोस्तों लेकिन अब हम नहीं चाहते चाहेंगे कि और एक नई डेट मिले, क्योंकि हमने दोस्तों इस डेट के लिए 2 अगस्त के दोस्तों डेट के लिए हमने लगभग 1 महीने का इंतजार कर चुके हैं। और दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों के लिए कि बीटीसी के तीसरे राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बीटीसी या आपके दोस्त भाई बहन घर में कोई भी करने वाले दोस्तों, तो उनका रिजल्ट तीसरे राउंड का दोस्तों काउंसलिंग का रिजल्ट जारी हो चुका है, तो वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके 10,000 रुपए की पेमेंट अब कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक और खबर आज हमने पढ़ी थी कि शिक्षक भर्ती में फिर से आवेदन मांगे, तो चलिए दोस्तों ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। चलिए आने वाले टाइम में वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, जो कुछ पोस्ट या कुछ पदे रिक्त रह गए थे तो उस पर आवेदन फिर से लिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 70 से कम गुणांक वाले बच्चों का क्या होगा। अब देखिए दोस्तों जिन बच्चों के नंबर 70 से कम हो रहे हैं, अब कैसे उनको नौकरी मिलेगी या नहीं। देखिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा 70 से कम गुणांक पर नौकरी पाना, लेकिन एक बात हो सकती है दोस्तों कि किसी ना किसी जिले में आपको नौकरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास सारे विकल्प खुले हैं, हर एक जिले का आप विकल्प डाल दीजिएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं आपका मौका बन जाए। लेकिन देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सबके अलग अलग कट ऑफ क्या होगी, पासिंग मार्क क्या होगी, किस कट ऑफ पर आपको नौकरी मिलेगी। तो काफी बच्चों के आज हमारे पास मैसेजेस आए कि सर एक बार फिर से इस पर डिस्कस कर लीजिए कि कितने नंबर अगर हमारे होंगे सुपर टेट में और कैसे होगा तो हमें नौकरी मिल पाएगी। देखिए दोस्तों जिन बच्चों के सुपर टेट में 110 से अधिक नंबर आ रहे हैं आज की डेट में, वो तो पूरी तरीके से सेफ है नौकरी पाने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो बच्चे दोस्तों 100 से लेके 110 के बीच में आते हैं, उनके लिए दोस्तों डेंजर जोन इसलिए बन जाता है कि यहाँ पर शिक्षा मित्रों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो फाइट आपको दोस्तों अच्छी देखने को मिलने वाली है। नौकरी तो दोस्तों आप लोग को मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं है, 4 लाख बच्चों नहीं, 4,210,000 बच्चे कुछ हैं जिन्होंने दोस्तों आपको सुपर टेट का पेपर दिया है। तो दोस्तों अगर उसमें उम्मीद करते हैं कि 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके 60 और 65 में आते होंगे दोस्तों, देखिए 1 लाख तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ बच्चे होंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है जब पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी, एक बार जरा इसको ध्यान दीजिएगा, 68,500 शिक्षक भर्ती में दोस्तों आप लोग को सिर्फ 41,000 बच्चे पास हुए थे, 41,000 प्लस बच्चे थे, और दोस्तों उसमें पेपर आपके लगभग 1,25,000 बच्चों ने दिया था। तो सोचिए कि 40-45 में पास होने वाले बच्चे की संख्या इतनी कम हो सकती है, तो आप 60-65 की तो समझ लीजिए बहुत ही दूर की बात हो गई। और दोस्तों देखिए ये वाली पूरी खबर एक बार दोस्तों पढ़ लेते हैं कि यूपी के अलावा दूसरे राज्यों से डीएलएड या समकक्ष प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों से 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो अच्छी खबर है दोस्तों आप लोगों के लिए, पूरी खबर इसको पढ़ते हैं क्या न्यूज़पेपर में आया था आज, उसके बाद दोस्तों पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको कितने नंबर होंगे तब आपको नौकरी मिल जाएगी। अब बारी अभ्यर्थियों से फिर से आवेदन लेंगे, उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से डीएलएड या समकक्ष प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों से 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शासन से अनुमति मांगने के साथ ही एनआईसी से सर्वर अलॉट करने का अनुरोध किया गया है, ताकि ऑनलाइन आवेदन लिए जा सके। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती 9 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, 27 मई को परीक्षा हुई और 13 अगस्त 2018 को परिणाम घोषित हो गया। चयनित अभ्यर्थियों को 5 सितंबर 2018 को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे,
जिसमें 41,556 अभ्यर्थी सफल थे। भर्ती की शर्त के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन के 5 साल पहले से उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य था। तो दोस्तों इसमें शर्त यह रखी गई थी, जो बच्चे 5 साल से यूपी में रह रहे हैं तो वो बच्चे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए भर्ती के लिए उन सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया जिन्होंने दूसरे राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से प्रशिक्षण किया था और यूपी में 5 साल निवास की शर्त पूरी नहीं करते थे। इनमें से कई अभ्यर्थियों ने जिला में काउंसलिंग भी करा ली थी। हाई कोर्ट के आदेश पर ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने 5 जुलाई को सभी बीएसए को दिया था, लेकिन तमाम अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया। हाई कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका देने का आदेश दिया था। उसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने नए सिरे से आवेदन लेने की तैयारी कर ली है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की जो भी खाली पदे हैं उस पर दोस्तों अगर फिर से एक बार आवेदन आएगा तो आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इस बार उसमें कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली बार देखा था बिल्कुल ही आसानी से बच्चे लोग नौकरी पा गए थे। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस बार जो आपको तैयारी करनी है तो 60-65 के हिसाब से आपको करिएगा कि आने वाले टाइम में क्या कट ऑफ लगेगी दोस्तों किसी को नहीं पता, क्योंकि अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जो भी कट ऑफ फाइनल होगी उसी के अनुरूप दोस्तों अगली शिक्षक भर्ती में कट ऑफ को मानक मनाया जा सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों के 70 से कम गुणांक उनका क्या होगा, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, क्या दोस्तों कितने नंबर होंगे आपके तब आपको नौकरी मिलेगी। देखिए दोस्तों इसमें पूरा आपको एक अच्छा सा डेटा बना के दिखाते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। अब आपकी पूरी शिक्षक भर्ती दोस्तों 69,000 है, मतलब एक बात क्लियर है कि 69,000 बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। अब दोस्तों देखिए इसमें आती है जनरल की बात, ओबीसी, एससी और एसटी। अब देखिए दोस्तों काफी बच्चे कह रहे थे सर जिला वाइज आप बता दीजिए। देखिए अभी तक दोस्तों ये डिसाइड नहीं हुआ है कि किस जिले में कितनी नौकरियां आनी है। ये 69,000 दोस्तों नौकरी तो आएगी लेकिन हर जिले का दोस्तों अलग अलग सीट्स आएंगे। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ये सीट का मतलब निर्धारण किया जाएगा उसके बाद दोस्तों एक और हम वीडियो बना के आपको दिखा देंगे कि किस जिले में कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब दोस्तों हमने जो डेटा कलेक्ट किया था कि डेटा में हमारे पास जो आया, अगर आपके पास दोस्तों 74 से प्लस अगर आपके नंबर आते हैं जनरल कैटेगरी में तब आप दोस्तों आज के दिन 40 और 45 कट ऑफ पर सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। सेफ का मतलब दोस्तों होगा कि आप फाइट में हैं, ऐसा नहीं कि आपको कंफर्म में नौकरी मिलेगी। अगर दोस्तों यही बात अगर आप 40 और मतलब 60 और 65 कट ऑफ की भी दोस्तों बात कर लेते हैं तो दोस्तों 60 और 65 कट ऑफ में जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 65 प्लस अगर नंबर है आपके तो आप नौकरी के हकदार बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों आप आसानी से नौकरी ले जा सकते हैं सिर्फ 65 नंबर पर। लेकिन दोस्तों 40 और 45 कट ऑफ की हम बात करें तो अगर 74 नंबर भी आपके बन रहे तो दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन 60 और 65 कट ऑफ पर दोस्तों अगर आपके 65 बन रहे तो इसकी पूरी गारंटी होगी कि आपको नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे ओबीसी कैटेगरी में क्या कट ऑफ हो सकती है। देखिए ओबीसी में बच्चों को 65 से अधिक नंबर चाहिए होंगे अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं। और दोस्तों 60 और 65 कट ऑफ पर दोस्तों इनके सिर्फ 60 नंबर लाएंगे तब भी बच्चे नौकरी पा पाएंगे। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे कि यार एससी कैटेगरी में क्या होना चाहिए। देखिए एससी कैटेगरी में सिर्फ पासिंग मार्क, जी हां दोस्तों आप लोग अगर पास भी हो जाते हैं एससी और एसटी में ठीक है तो आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये पासिंग मार्क आपको तब चाहिए होगा जब आपके कट ऑफ 60 और 65 लगाई जाती है तब। अगर दोस्तों आपके 40 और 45 कट ऑफ लगाई जाती है तो दोस्तों आपको 60 से अधिक नंबर चाहिए होंगे, चाहे आप एस सी से आए चाहे एस टी से आए, मतलब ये दोस्तों आपको गुणांक ना कि नंबर है, तो ये बात आपको अच्छे से समझना है। तो कुछ ऐसा दोस्तों आपका गुणांक आपको देखने को मिल सकता है तब आपको नौकरी की उम्मीद जगेगी। अगर दोस्तों लेकिन 60 और 65 कट ऑफ हो जाता है तो समझ लीजिए आप लोग इतनी आसानी से नौकरी पाएंगे ना, जैसा कि आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती भरी गई थी सभी बच्चे आसानी से नौकरी पा गए थे तो दोस्तों आप लोग भी वैसे ही बिल्कुल ही आसानी से नौकरी पा सकेंगे। लेकिन बस शर्त यही कि आपकी जो कट ऑफ हो 60 और 65 हो, नहीं तो दोस्तों शिक्षा मित्रों को अधिक नौकरी मिलेगी आप लोगों को कम मिलेगी। देखिए दोस्तों एक चीज तो श्योर है, काफी बच्चों ने सवाल किया था कि सर किसको नौकरी ज्यादा मिलनी चाहिए, शिक्षा मित्रों को, बीटीसी को या बीएड के बच्चों को। देखिए दोस्तों एक बात तो यहाँ पर श्योर है, जो बच्चों ने मेहनत ज्यादा की है उन्हें नौकरी ज्यादा मिलनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा नौकरी कौन पा सकता है, दो चीज दोस्तों बन रहा है। अगर 40-45 कट ऑफ लगती है तो शिक्षा मित्र सबसे अधिक नौकरी पाएंगे, अगर दोस्तों 60 और 65 की कट ऑफ लगती है तो बीएड वाले बच्चे सबसे अधिक नौकरी पाएंगे। अब बीटीसी के बच्चे दोस्तों ज्यादा इनकी संख्या नहीं है तो अब बीटीसी के बच्चे देखिए क्या होगा,
कि अगर 60 और 65 कट ऑफ लगती है तो दोस्तों सेकंड नंबर पर आपका बीटीसी रहेगा, और अगर 40 और 45 कट ऑफ लगती है दोस्तों तब आपका बीटीसी थर्ड नंबर पर आ जाएगा। 40 और 45 पर दोस्तों कौन से नंबर पर आएगी, रहेगी थर्ड पर, और 60 और 65 पर दोस्तों बीटीसी का रैंक रहेगा सेकंड। तो इस आधार पर दोस्तों सभी बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। तो आपको बात काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों बस हमें 2 अगस्त का इंतजार है। देखिए 2 अगस्त को हमारे में जो हमारा मेन मुद्दा है कि वो पासिंग मार्क को लेकर बहस हो। बस दोस्तों सभी बच्चे यही चाहते हैं कि वहां पर कोई तीसरी बहस ना हो, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क को लेकर बहस हो। हर बार दोस्तों क्या होता है, कोई नया मामला आ जाता है जैसे कि जज साहब हमें एक और नई तारीख दे देते हैं, लेकिन हमें दोस्तों अब नई तारीख नहीं चाहिए। काफी दिन से हम वैसे ही परेशान हो चुके हैं यार, कि बहुत दिन दोस्तों बीत चुका है यार, बहुत ही ज्यादा। जहां हमें फरवरी में नौकरी मिल जानी चाहिए, तो दोस्तों आप आज सोचिए लास्ट दिन हो रहा जुलाई का, मतलब आज से जुलाई हमारी लगभग समाप्त है। कल से दोस्तों अगस्त शुरू हो रहा है। तो दोस्तों हमने देखिए ऑलरेडी इतना लंबा समय हम इंतजार कर चुके हैं, अब दोस्तों और किसी बच्चे में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अब कितना इंतजार करेगा। तो चलिए दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और फिर मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। तो दोस्तों अगर आपके कुछ ऐसे नंबर होंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी आसानी से। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी डिस्कस करेंगे।